ये देखें जी 2024 की नई सुबह और दूसरा दिन। मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। लाहौर में खूब बादल हैं, फॉग है और मौसम कोई तब्दील होने के इम्कान नहीं है। ये देखें बर्ड्स की कितनी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं। ये मैंने रखे हुए हैं, इसके अंदर मैं ना बाजरा डालती हूँ। तो पहले मैंने ये दीवार पे रखे हुए थे, पर अब मैंने ये ज़मीन पर रखे हैं, इधर ज़्यादा बर्ड्स आते हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पौधों को देख के भी ना एक बड़ी प्यारी खुशी सी आपको होती है। ये देखिए ये मेरी ब्रोकली, आपको पता चल रही होगी, लगना शुरू हो गई है। ये देखिए कितने खूबसूरत चेरी टमाटो लगे हुए हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे निकलना शुरू हो गए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। अल्लाह ताला करे ये निकल आए, बस नज़र ना लगे। मेरे प्लांट्स को मुझे बड़ा ही शौक है। और ये आप देखें तकरीबन अब सब्जियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। बहुत छोटे छोटे प्लांट्स थे जो मैंने लिए थे, आपके साथ शेयर किए थे, ये देखें। अच्छा जी, मैं डॉलर शॉप पे गई हुई थी, मैंने कहा चलो आपके साथ भी अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ। बहुत अच्छी मुझे चीज़ें मिली, 240 रुपीज़ में ये सारा सामान था और बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी की चीज़ें थी। इसमें मग भी थे, आपको नमकदानियाँ नज़र आ रही होंगी, प्लास्टिक के बॉक्सेस थे, पानी की बॉटल्स थी, काफ़ी सामान था, सब चाइना का सामान था और बहुत अच्छी क्वालिटी थी। तो मैंने भी कुछ शॉपिंग की इनमें। और प्लास्टिक के आप यकीन करें 3-3 बॉक्सेस का सेट था, बाकी ये छोटा सामान भी, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें थी पर बहुत अच्छी। मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी, आपको पता है बच्चे तो बहुत जल्दी तंग आ जाते हैं कि जल्दी करें। मेरा दिल बहुत था कि मैं थोड़ी और शॉपिंग करती, देखती चीज़ों को, पर इतना टाइम नहीं मिल सका। यहाँ पर डेकोरेशन की चीज़ें भी बहुत अच्छी थी, तो इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा जाऊँगी। फ्रेम बहुत अच्छे थे और मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, खूबसूरत थे, वॉल हैंगिंग जो थे। और इसमें यह था कि यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट, स्वीट्स, इस तरह की चीज़ें भी थीं। और काफ़ी ये था कि लोग आके चीज़ें यहाँ से भी शॉपिंग करते हैं, लाजमी नहीं होता कि हम बड़ी दुकानों में जाएं और सिर्फ वहीं से ही शॉपिंग करें। छोटी दुकानों में भी कई दफ़ा हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल जाती है। तो आप कोशिश किया करें इन शॉप्स पर भी जाया करें, जाके यहाँ भी चीज़ें ज़रूर देखा करें। अच्छा जी, ये मैं शॉपिंग करके लेके आई डॉलर शॉप से। ये मुझे 240 रुपीज़ में चम्मच मिले। एक ये लेके आई हूँ, आप देखें अब ये कैसा निकलेगा, ये नहीं पड़ता मुझे। अच्छा जी, फिर ये मैंने 3 छुरियों का लिया सेट। ये गोश्त के लिए ये मैंने एक हैमर लिया, ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का है। एक ये मैंने पेट्रोलियम जेली ली वहाँ से, और ये मैंने ली टूथपिक्स। ये मैंने सूप के लिए ना, मेरे पास बाउल हैं ज़्यादा, तो ये मैंने एक्स्ट्रा स्पून ले ली है। और ये भी देखें 240 रुपीज़ में 3 स्ट्रेनर। और ये मुझे चाहिए था पिज़्ज़ा वगैरह के लिए, ये भी मुझे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें सारी लगी। चीज़ें तकरीबन सारी इनकी अच्छी अच्छी हैं, आप यकीन करें। ये मैंने स्वीट्स खाई हुई हैं और इनकी ये बहुत मज़े की हैं, चाहे ये चाइना की हैं, किधर की हैं मुझे नहीं पता इस चीज़ का, पर ये इसी मज़े की हैं। ये मैंने सारी शॉपिंग की वहाँ से। और एक मैंने सर्फ का पैकेट लिया वॉशरूम्स वगैरह के लिए, मेरे को चाहिए होता है। और एक मैंने निम्को ली। ये मेरी थी शॉपिंग, और अच्छी सस्ती और मुझे चीज़ें इनकी अच्छी लगी हैं। पहले जब मैं डॉलर शॉप जाती थी तो इनकी 175 या 185 रुपीज़ की इनकी एक चीज़ होती थी, तो अब इनकी ये 240 रुपीज़ की है। क्योंकि जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ा है तो ज़ाहिर बात है इन्होंने भी चीज़ें थोड़ी महंगी की हैं, पर इनकी चीज़ें अच्छी हैं। आप लोग भी जाएँ, ज़रूर ट्राई करें। लाजमी नहीं होता कि हम बड़ी दुकानों में जाएँ और महंगी चीज़ लेके ही खुश हों, कई दफ़ा हमें सस्ती शॉप्स पे भी बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और मुझे दें इजाज़त, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आपके सामने आऊँगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।